खैर तो है, ये क्या आज आप ऑफिस से इतना जल्दी क्यों आ गए हैं? बॉस ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया है। ओ मेरे खुदाया, ये क्या कह रहे हैं आप? इतने लोगों का कर्जा देना अभी बाकी है और आपको नौकरी से ही निकाल दिया है। ओहो, अब क्या होगा? परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। परेशानी वाली बात तो है, चले मैं ऐसे करती हूँ, भाई से बात करती हूँ, जो मेरे हिस्से में ज़मीन है उसके कागजात मांगती हूँ तो उसको बेच देते हैं, अच्छे खासे पैसों की बिक जाएगी और उससे आप कोई कारोबार भी कर लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस चीज़ का मशवरा नहीं देता, तुम अपने भाइयों के पास ना जाओ, उन्होंने पहले भी बहुत हमारे साथ बहुत किया है। क्यों ना जाओ, मेरा हक बनता है, वो मेरे हिस्से की ज़मीन है। आखिर आज हम इतनी मुश्किल में, हमारे काम आज नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? मैं अभी जाती हूँ, जाके भाई से बात करती हूँ, मैं तो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं आपकी तरफ ही आई हूँ, एक मसला हो गया है। खैर हो, क्या बात हो गई मुझे बताओ। भाई वो मेरे शोर की जो है वो नौकरी छूट गई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके पास जो मेरी ज़मीन के कागज़ हैं, या वो आप मुझे कागज़ दे दें या फिर आप ही ज़मीन रख लें, मुझे कुछ पैसे दे दें उनके बदले में। कौन सी ज़मीन? वो ज़मीन तो बेच के मैंने तुम्हारी शादी करवा दी थी। भाई मुझे अच्छे से याद है, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने मेरी शादी के लिए अलग से अकाउंट में पैसे रखे थे, ज़मीन तो वहीं की वहीं है। क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐंदा इस काम के लिए इधर कभी मत आना, कोई ज़मीन नहीं है तुम्हारी, जाओ यहाँ से। भाई मुझे अच्छे से समझ आ गया है, आपकी नीयत में खोट आ गई है। चली जाओ यहाँ से और इस काम के लिए दोबारा इधर कभी मत आना। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है झूठे लोगों से रिश्ता रखने का। हाँ छोटे, देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया है, वो हमारी छोटी बहन है, उसका जो हक बनता है उसको दो। ओ भाई, जब उसकी शादी हो गई है तो फिर कौन सी ज़मीन? वो वैसे भी हमारे बाप की ज़मीन है, उसके शोहर को कैसे दे दें हम? देखो उसका हक खा के हमें क्या मिलेगा, जो उसका हक है वो उसको दो। ये जुल्म है, ये जुल्म मत करो। अगर आपको भी इनकी कॉल आती है ना तो आप ही मना कर लें। ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो, क्या कब? ओह या, चलो मैं आता हूं। क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या कहा भाइयों ने? आप ठीक कह रहे थे, मुझे नहीं जाना चाहिए था भाई की तरफ, भाई ने साफ इनकार कर दिया है और भाई ने तो मुझे ये भी बोला है कि जगह के लिए आइंदा हमारे घर मत आना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वहाँ नहीं जाना। चलो खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। बस अब अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, अब अल्लाह ही कोई रास्ता निकाले तो तब की बात है। या अल्लाह, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई है? चलो वो मसला पहले जाके हल करता हूँ, क्या पता अल्लाह मुझे बड़े नुकसान से बचा ले। ये कौन आ गया? बैठो मैं जाके देखता हूँ। अरे भाई आप, खैर तो है? क्या ना, ठीक है। हिना किधर है? हिना, हिना तुम्हारा भाई आया है। अच्छा मेरा भाई आया है, एक मिनट रुके मैं आती हूँ। आज भाई आप खैर तो है? आपने तो मुझे मिलने से भी मना कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे एहसास हो गया। ये लो तुम्हारा हक, ये ज़मीनों के पेपर है। भाई आए बैठे तो सही ना। एक्चुअली मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मैं बस उधर जा रहा हूँ। क्या आग लग गई है? एक मिनट ठहरे, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अल्लाह पाक भाई का ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। ये कैसे लग गई आग?